मेरे पीछे जो जैसी भी चालता देख रहे होते हैं, चाल रही अवैध कॉलोनी पर। यूआईटी सीकर में 30 से ज़्यादा अवैध कॉलोनी है जगह चिन्हित कर रखी है बंसन तोड़सी। आमतौर पर कॉलोनी कमाए ना आवाज जना 5-7 जना कुर्सी का लेड़ा बैठा दिखे, नक्शा नक्शा लेर कठिन प्लाट बेचदार बठिन प्लाट बेचदार। लेकिन ये टाइम पर आ कॉलोनी कमाए कोई नक्शा लेर नहीं बैठे, कोई कुर्सी गालर नहीं बैठे, बैठे हैं तो सरकारी अधिकारी करके जेसीबी वाला जगह लाग रहा है खाडा खोदवा का माइन। अवैध कॉलोनी जखी वहाँ का माइन जो भी निर्माण कार्य है, कोई ग्रेवल की सड़क बनाई तो कोई पाया पुया गाल प्लाटा का नाप ले नाप जोक करया तो बस अपने तोड़ रहा है। आज के दिन में यूआईटी 5 कॉलोनी तोड़ चुकी है, गोकुलपुरा से शुरू करे और ये टाइम में हर्ष रोड पर आकाशदीप स्कूल का आगे गुजरा की ढाणी का आसपास देवगढ़ अठासू दिख रहे पीछे हर्ष दिख रहे। देखो कॉलोनी की लोकेशन तो बहुत तगड़ी ही, लेकिन लोकेशन और कॉलोनी बसपा के बीच में एक और चीज़ हुई अग्र है वह हुआ अग्र अनुमति कागजी कार्रवाई। कागजी कार्रवाई जखी का मैंने जमीना का मैंने अक्सर आदमी आदमी फंस जाए अग्र है बी की वजह से अठे आ सब कार्रवाई हो रही है। भूमि से आवासीय में बदलने के लिए नहीं, उसमें यूँ है कि जब तक आप फाइल स्वीकृत नहीं होती तब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बात सही है आपकी, तो वही है। आपने सुचेत कर दिया था हमको कि भाई आप डेवलप नहीं करना, तो हमने उसी टाइम पे काम बंद कर दिया था। उससे पहले हमारा काम डेवलप हो चुका था। नहीं हुआ था, हम दोबारा आके जाके स्वयं सेक्रेटरी साहब आके गए यहाँ पर। बिल्कुल गए थे मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उससे पहले हमारी कुर्सी वगैरह चेयर वगैरह हमने हटा ली थी। नहीं कुर्सी चेयर से बात नहीं थी, कुर्सी चेयर को भले ही हमारे जो साधन थे इसमें वो सारे निकाल दिए थे सर। एक गैस गोदाम की वजह से हमारी वो ये अप्रूव नहीं हो पाई। इसमें वो गैस गोदाम है, इसकी किसी भी वजह से हो जब तक स्वीकृत कॉलोनी नहीं हो जाती तब तक आप लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो सर हमारा इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये आपको सोचना चाहिए पहले। बात सही है आपकी, लेकिन इसमें आप मतलब ये जो गैस गोदाम है इसकी जगह बन रही है दूसरी जगह। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक मिनट में मतलब गोदाम तैयार हो जाए। नहीं तो उसमें आपको पहले डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ रही थी सर। हम डंडे का मतलब इसको अलग बना के इसकी जगह भी ली है सर। सबसे पहले देख ध्यान रखने की बात ये है कि सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो उसकी अनुमति ली जाती है पहले। बात सही है सर आपकी, मैं हमने अनुमति लेने के लिए फाइल हमने लगाई थी इसकी भाई, एक साथ में फाइल होती रहेगी और अप्रूव होने के लिए, और दूसरी तरफ हमारी कॉलोनी डेवलप होती नहीं। मान लो फाइल नहीं हो तो उससे पहले डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो आप? नहीं डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते, अब आपकी बात सही है, लेकिन उससे पहले हम गैस गोदाम हटाने की सोच रहे थे। इस वजह से उन्होंने लिख दिया कि ये गैस गोदाम हटने के बाद में आपकी फाइल लगेगी। आपको सारी कार्रवाई पहले हटने वाली जो करवाने गैस गोदाम हटाने वाली थी वो पहले करनी चाहिए थी, तो उसके लिए सर हमारी गलती हो गई। आज नगर विकास न्यास सचिव श्रीमान राजपाल सिंह यादव के निर्देशन में सीकर शहर में जो अवैध कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है उनके ध्वस्त की कार्रवाई की जा रही है। आज गोकुलपुरा में 4 कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और ये 5वीं कॉलोनी पिपला नगर में। टोटल ऐसे कितनी कॉलोनी है? टोटल कॉलोनी 20-25 कॉलोनी का सर्वे हुआ है और जैसे जैसे सचिव मोदी के निर्देशन मिलते रहेंगे उसी हिसाब से उनके ध्वस्त की कार्रवाई की जाती रहेगी। अच्छा इन कॉलोनियों में मतलब क्या कमी रही जिसकी वजह से आप इन्हें ध्वस्त कर रहे हैं? ये स्वीकृत कॉलोनियाँ नहीं है, अवैध रूप से काटी जा रही है और इस एरिया में कॉलोनी डेवलप करना परमिशन नहीं है। ये पैराफेरी बेल्ट में आता है और मास्टर प्लान एरिया से बाहर है, इसलिए यहाँ इन कॉलोनी की परमिशन भी अभी वर्तमान नियम के मुताबिक मिल नहीं सकती। अच्छा कोई भी आम आदमी अगर कोई प्लॉट खरीदता है या कोई ज़मीन खरीदता है तो उसे किन बातों का या किन कागजों का ध्यान रखना होता है ताकि उसे भविष्य में इस तरह की समस्याओं का? सबसे पहले उनको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यूआईटी से जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ स्वीकृत कॉलोनियाँ हैं उन्हीं में उनको भूखंड लेना चाहिए और इसके लिए वो यूआईटी कार्यालय में आकर भी जांच पड़ताल कर सकता है कि ये कॉलोनी अवैध है या स्वीकृत है, और स्वीकृत कॉलोनी है उसी में ही उसको प्लॉट भूखंड लेना चाहिए। तो अब तक लोगों को समझ में आई उसके कोई भी ज़मीन पर अगर थे प्लॉट खरीद रहे हो कॉलोनी काटेड़ी अभी का मैं प्लॉट खरीद रहे हो तो पहले यूआईटी के कार्यालय में जाओ, बैठे पतो करो कि वह कॉलोनी स्वीकृत है या नहीं है। बिना स्वीकृत हुए प्लॉट खरीदो ला तो आज हमें भी हो सके कि ताकि प्लॉट खरीदो कोई साई सुई दो जगह यहाँ डूब सके या खाडा खोदगा यूआईटी वाला अठे यहाँ का नुकसान से बचना जरूरी है कि ज़मीन खरीदो प्रॉपर्टी खरीदो तो पहले इसको देख लो कि भाई जगह पर पूरी अनुमति सरकार की तरफ से है कि नहीं है, क्योंकि सरकार का आगे कोई की नहीं चल रहा भाई, सब सिस्टम हो है। इसलिए जागरूक बनो, खुद को नुकसान हो बस बचाओ और नहीं हुआ कि धोलेराड़ा की काल ना है कॉलोनिया के नाम पर भी अपन ठगी का शिकार हो जाओ। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।